फराज साहब का आज का डिनर मिस करना अजीब सी बात है। हो सकता है उन्हें वाकई कोई काम हो। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसकी तलाफी ना हो सके। वैसे भी ये कोई आम बोरिंग कारोबारी डिनर नहीं था, अच्छा हो गया। वैसे फार्म हाउस काफी दूर है, फराज साहब भी नहीं आए तो मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, आपको तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। ऐसे कैसे जाने दो, हम तो बहुत दिलचस्प गुफ्तगू कर रहे थे। क्या मतलब? तुम बता रही थी ना कि मॉडलिंग कैसे शुरू की तुमने। चलो। मिर्जा साहब ने इस बार बिल्कुल पक्की खबर दी है, ये मिडिल क्लास मछली बड़ा खेल खेलने वाली है। न जाने मिसेरा की इस नए मॉडल से क्या दुश्मनी है। बहुत शुक्रिया। हाँ तो हम कहाँ थे? अच्छा बस रिलैक्स। इसकी हालत बिगड़ गई है, अब तक कांप रही है। मैंने सिनिन की दवा भी दी है लेकिन इसे सुकून नहीं आ रहा है किसी तरह। अली तुम ही समझाओ ताकि इसे सुकून मिले। अब तो सब खत्म हो चुका है ना बेटा। हाँ खत्म हो गया है और दोबारा ऐसा नहीं होगा। आ जाओ अलीना, तुम्हें आराम की जरूरत है। कुछ देर के लिए यही रुक जाओ अली। मुझे बहुत डर लग रहा है अली, बहुत डर लग रहा है मुझे। सुने बाबा, हम ये जगह साफ तो कर रहे हैं लेकिन ऐसा ना हो कि पुलिस को कोई निशान से आई हो और वो हम मिटा दें। अरे बेटा, पुलिस वाले कह गए हैं कि हमें जो लेना था ले लिया। अल्लाह अल्लाह, ये सब कुछ समेटो और ले जाओ, चलो। अरे ये साफ करते करते इंसान का दिमाग ही खराब हो जाएगा। वो यहाँ लेटा हुआ बहुत बड़ा आदमी था। हाय 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 हाय, साफ करते करते थक गया हूँ मैं तो। आए चुप हो जाए, मेरे तो हाथ पाँव कांप रहे हैं। अरे फराज सर की तो शामत ही आ जाएगी, उन्हें जेल में डाल देंगे क्या? फिर हमारी एजेंसी का क्या होगा? ओह, तो तुम्हें अब भी अपनी फिक्र लगी हुई है। क्या हो गया बेटा, ऐसी बात नहीं करते। कौन सा नेक आदमी था? आयतुल साहब को सुना नहीं था क्या? एक नंबर का गुंडा आदमी था वो। बोट में धमाका भी उसी शख्स ने करवाया था। बहुत ही ज्यादा खतरनाक आदमी था वो। या अल्लाह, हम सबको महफूज रखना मेरे रब। शुक्र है नूर नहीं थी यहाँ, वरना वो तो बहुत डर जाती। ये लड़की कहाँ रह गई? हमारे घर में खून बह रहा है और नूर साहिबा को कारोबारी दावत से घर तक छोड़ा जा रहा है। ये लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। कोई मसला है? शायद मेरी फिक्र हो रही होगी। या अल्लाह, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है हमें। हमारी बेटी आधी रात को गैर मर्दों के साथ घूम फिर रही है। वो दावत पर गई थी। हाँ, मजेदार दावत थी। करीम साहब,
खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। ये अलमास तुम्हारी कजन है ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। उम्मीद करती हूँ मैं आज रात मैंने आपका ज्यादा सर नहीं खाया होगा। तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा सना। सना आपने मुझे क्या कहा? माफ करना। मैं ये सोच रही थी कि आज का डिनर कितना अच्छा रहा ना हमारा, लेकिन आप तो मेरा नाम ही भूल गए। आपके ब्रांड के नए चेहरे का नाम सना नहीं नूर है। गुड नाइट नूर। होश करो कुछ, संभालो खुद को, अब कोई सना नहीं है। अजीब सी बात है, ये मेरा नाम कैसे भूल गए? आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। नहीं नहीं, कसूर इसका नहीं, कसूर इसके शोहर का है। मैं अली साहब को कभी ऐसा नहीं समझता था, कभी नहीं। खुदा के वास्ते आप कुछ मत कहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसा लगता है कि सारी रात ही तुम्हारी हो गई है। बस भी कर दो अलमास, तुम्हें पता भी था कि मैं दावत में गई हूँ तो फिर इन सबको यहाँ क्यों जमा किया? हाँ, मैंने क्या किया है? अलमास मेरी बात सुनो। बेटी यहाँ मत पाँव रखो। ये क्या है? खून है क्या ये? किसका खून है ये? क्या करूं अली, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा सच में हो गया। सब ठीक है, फिक्र मत करो, ये वक्त गुजर जाएगा। बस रिलैक्स, पुराने दिनों की तरह ये वक्त भी चला जाएगा। यही रहना, तुम आज रात कहीं नहीं जाना। ठीक है, घबराओ नहीं, यही हूं मैं तुम्हारे पास। आंटी ये कैसे हो गया, कैसे हुआ? पूछो मत बेटी, अल्लाह ने अलीना साहिबा और फराज साहब को बचा लिया। हाँ मेरी जान, जब तुम वहाँ कारोबारी दावत में एंजॉय कर रही थी ना, तो यहाँ हम अपनी जान बचा रहे थे। अली, मुझे अली से मिलना है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है आखिरकार मैडम को अपने शोर का ख्याल आ गया। चलो चलो हम भी चलते हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। चलो बेटी, चलो चलो बेटा। ठीक है बाबा, आप भी आ जाए, थोड़ा चलो, चलो चले। चलो बेटा। अली अली, ये क्या शोर मचा रखा है? दिमाग खराब हो गया कि तुम्हारा? मुझे अपने शोहर से मिलना है। तो तुम्हें सब पता चल ही गया? मेरा शोहर कहाँ है? शोहर कहाँ है जानती हो? तुम्हारा शोहर कहाँ? वहीं उसे जहाँ होना चाहिए, अपनी असल बीवी के पास। हटे मेरे सामने से, मुझे उनसे मिलना है। अब अपना ये ड्रामा छोड़ो, तुम्हारी चाल पकड़ी गई और मेरी बेटी पर तुम्हारा लगाया हुआ इल्जाम एक रात में ही तुम पर वापस आ गया। हट जाए मेरे सामने से। क्या हुआ नूर, मुलाकात हो गई शौहर से? थू थू, हमारे सरों पर तो पत्थर बरसेंगे अब। क्या हुआ नैयर साहब, अब कौन सी नई मुसीबत आने वाली है? शर्म की बात है, बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है।
ऐसा क्या हो गया बाबा? हम बर्बाद होने वाले हैं बेटा, बर्बाद होने वाले हैं, ये देखो। क्यों, ऐसा क्या लिखा अखबार में? मुझे भी दिखा जरा। दिखाओ मुझे, क्या है ये? जब तुम वहां सो रहे थे, मैंने एक पल भी आंख नहीं झपकी। मुझे फौरन नूर, मैं तुम्हें क्या कहूं, अब क्या कहूं मैं तुम्हें? अब क्या हो गया बेटी? ये क्या है, बोलो क्या है? अखबार है ये तो। हमें भी पता है अखबार अंधे नहीं है। अलमास, इसमें लिखा क्या है वो देखो। ये क्या है, ये सब क्या है? तुमसे मैंने कहा था ना कि वेट कर लेना मेरा, क्यों नहीं किया तुमने वेट मेरा? हाँ, सारे काम तुम खुद ही कर लेती हो। तुमसे कहा किसने था कि अकेले ऑफिस जाओ तुम? तुमने क्या कुछ खो दिया? खैर, ये अचानक जमीन का मसला कहाँ से निकल आया, समझ नहीं आ रहा मुझे। ये एक मसला है नाजान, कभी कभार निकल आता है, तुम क्या कर सकती हो? और अभी जमीन पर बात करने का वक्त नहीं है। अल्लाह का शुक्र है तुम बच गई अलीना, गेट वेल सून। बहुत शुक्रिया जाहिद। 40 साल भी सोचती रहती, मुझे कभी ये ख्याल नहीं आता कि मोहल्ले के 7 मुसीबतों में से कोई इस मसले के पीछे होगा। सच कहूं तो बचपन में कितना डरता था तुम्हें पता है? कहते हैं कि उस आदमी के चेहरे पर रत्ती बराबर भी मुरव्वत नहीं थी। यकीन से कह सकता है कि बोर्ड में उसी ने बम रखा था। हाँ मेरी जान, अलीना और फरहाद ने अपने कानों से उस आदमी की सारी बातें सुनी है। उसने और क्या कहा था अलीना? कसम से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, सच में याद नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इतने सालों बाद उसे ये हरकत करने की सूझी क्यों, ये समझ नहीं आया। अरे फिर से शुरू हो गए सुबह सुबह, बस करो ना बच्चों, चाहते हैं कि इस वाकये को भूल जाएं और तुम सब अब बस करो, मुसीबत आई और गुजर गई, भूल जाओ, छोड़ो। देखो ये अखबार में भी लिखा है कि अली कोजान की बोर्ड को तबाह करने वाला मुलजिम कल रात को कोजान फार्म हाउस में ही मौजूद था। नाजान। हाँ, हमारा छोटा शहजादा आ गया। सुबह सुबह इस अखबार की खबरें काफी है हमारे लिए, अब ये देखते हैं कि दूसरे अखबार में क्या लिखा है। अब ये क्या है? अरे हमारी एक्स आया, नहीं यार, काफी मशहूर हो गई है, इम्पॉसिबल यार। नूर, नूर अखबार में? हाँ लाओ मुझे दिखा। सारे काम से खुद करने होते, मजा ले जो मेरी कोई बात सुन ली है। क्या हो रहा है भाई? नूर आंटी के साथ ये आदमी कौन है? क्या हो गया? नूर मशहूर हो रही है मेरी जान। मैं तो मर गई, या अल्लाह अली। तुम्हें तो ये बर्बाद कर देगा, लिख लो तुम मेरी ये बात। ओह, मैगजीन की खबरों में पेज 3 पर जिक्र होगा तुम्हारा। चुप रहो बेटी, तुम्हें गैर आदमी के साथ खाने पर जाने की क्या जरूरत थी? मैं अली से क्या कहूँगी आंटी, मैं क्या कहूँगी अली से? वैसे कसम से जो भी कह लो तुम्हारी खैर नहीं है। अलमास, बेटी बेटी सुनो, क्या अली साहब कल रात के बारे में जानते थे? मतलब जब फरहाद साहब खाने पर नहीं आ सके तो सहाफियों ने भी कुछ कहा होगा। बेटी
तुम्हारे शोहर को इस बारे में सब पता था ना? नहीं, उसे अली को कुछ नहीं पता। अली, अली, ऐसे उठकर क्यों चले आए यार? अलीना से क्या कहोगे कि अपनी बीवी से हिसाब लेने जा रहे हो? बात सुनो अली, अभी इस वक्त कोई तमाशा मत करना प्लीज। बाबा ने तो नाश्ता भी नहीं किया, अम्मी और नानी भी कहाँ चली गईं? छोड़ो मर्द बेटा, तुम इन चीजों पर गौर मत करो, चलो नाश्ता करो। शाबाश। मेरा लिहाज किए बगैर उठकर उसके पास चला गया। आपने देखा अम्मी? और क्या चाहती हो तुम? हमारी किसी मेहनत के बगैर उसका गुस्सा नूर के लिए बढ़ता जा रहा है। अम्मी, मेरा शौहर अपनी माशूका के साथ झगड़ रहा है, इस पर मैं नाचकर खुश नहीं हो सकती, ठीक है? तो फिर तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारे शौहर की दिलचस्पी उससे हट रही है। उस गसंफर का मसला तो कम से कम खत्म हो गया ना अलीना? मेरा शौहर किसी और औरत पर शक कर रहा है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? मेरा शौहर है और किसी और औरत पर शक कर रहा है, ये तो देखें। वो दरवाजे के सामने घूम रहा है, अब वो दस्तक गिनती गिन रहा है या फिर तुम्हारी मौत का परवाना लिख रहा है, नहीं बता सकती हूँ ये मैं। खामोश हो जालमास। वैसे अच्छा ही हुआ तुम्हारे साथ, अगर तुम अपने शोहर से छुपकर काम करोगी ऐसा तो होगा ना? क्या बोल रही हैं आप आंटी, क्या छुपाकर किया है मैंने उससे? अब तुम भी मुझसे झगड़ो। इसे देखे जरा, पागल हो गई शायद। चले गए, लगता है उसे जंगल में ले जाकर भेड़ियों को खिलाएंगे। तौबा तौबा। अली, वो मैं समझती क्या हो तुम खुद को आखिर? तुम कैसे जानती हो उस आदमी को और ताल्लुक क्या है उससे तुम्हारा? आप कोई तबसरा नहीं करेंगे करीम साहब? अखबारात ने पहले ही काफी तबसरे कर लिए हैं। अनफॉर्चुनेटली नुकसानदेह तबसरा है ये हमारे लिए। वैसे पता है क्या, मैं सोच रही थी उस नई मॉडल को कितना फायदा हुआ होगा ना, और कल रात फरहाद साहब का डिनर पे ना होना भी कितना अजीब सा इत्तेफाक था। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो लड़की जरूर कोई फायदा उठाएगी। वैसे तुम्हारी तबीयत जल्दी ठीक हो गई है रा?
मैंने दवाएं फौरन ले ली थी। तुम नूर को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ऐसा ही है ना? क्या मतलब है करीम साहब? मैं तो बस इस सिचुएशन से परेशान हूँ जो हमारे सामने है, और मैंने पहले ही देख ली थी। खुशकिस्मती से उस मॉडल के साथ हमने अभी तक अपने कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान नहीं किया था। अब जो नुकसान हुआ है उसे खामोशी से पूरा कर सकते हैं। मतलब कैसे, समझा नहीं मैं। अब जब आप दोनों ऐसे स्कैंडल में साथ आ ही चुके हैं तो नूर को इस सीजन में लॉन्च करना हमारे लिए नेगेटिव साबित होगा। आप जिस ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करते हैं उसका इमेज मैटर करता है। एक बहुत ही मामूली और बेजरर सी खबर को तुम बहुत ज्यादा सीरियस ले रही हो। जिस शख्सियत का इमेज पहले ही खराब हो चुका हो, क्या हमारा ब्रांड उसके साथ काम करेगा? क्या तुम हमेशा नहीं कहती कि एडवर्टाइजिंग की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती? प्लीज करीम साहब, ऐसा तो हमारे साथ पहले कभी नहीं हुआ और ये बहुत परेशान कुन बात है। और वैसे भी आपको तो खुद ऐसी खबरें कभी पसंद नहीं थी, तो फिर अब ऐसा क्या हो गया कि? मुझे यकीन है कि ये खबर एक दो दिन मजीद गर्म रहने के बाद गायब हो जाएगी। इसके लिए मैं उस लड़की को परेशान नहीं करना चाहता। फिलहाल तो मैं सिर्फ आपको परेशान देख रही हूँ। नहीं हीरा, तुम कुछ नहीं देख पा रही हो। अब प्लीज जाकर जरा नूर का नंबर तलाश करो। ब्रांड फेस, हाँ संजाक्तार कॉस्मेटिक्स का ब्रांड फेस बनना है तुम्हें? हाँ, तो अब मेरी बीवी का खूबसूरत चेहरा उसकी रंगीन बोतलों के ऊपर छपने वाला है वाकई में। अली प्लीज आराम से बात करो। क्या आराम से? हाँ, मैं आराम से बात करूँ? तुम्हारा जो दिल चाहेगा तुम करती फिरोगी और मैं आराम से बात करूँ? वहाँ पर फराद साहब को भी आना था, करीम साहब की असिस्टेंट भी वहाँ पर नहीं आई, और ये सिर्फ एक बिजनेस डिनर था, इसके अलावा कुछ नहीं। बिजनेस डिनर? क्या बात है वाकई में? हाँ, वो छिछोरा ही मिला था बिजनेस डिनर के लिए, और वो गलीज जो है ना, वो फराद, कल रात मैंने उसका शुक्रिया अदा किया लेकिन अब सर फाड़ने का दिल कर रहा है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे अब देखना। अली, क्या करीम साहब के साथ कोई मसला है तुम्हारा? यानी हम तो बस सिर्फ साथ में। वाह 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 यार, इसका मतलब उस इंसान को अब तक तुमने पहचाना ही नहीं है। एक नजर में ही भाप लिया था मैंने उस इंसान को। और वो एक जुमला कहता है अपने लिए, क्या कहता था, किस नाम से बुलाता है खुद को? हाँ, अपर क्लास का मॉडर्न इंसान। अली देखो बात सुनो, करीम साहब के बारे में भूल जा, और ये जो भी तस्वीरें और खबरें अखबार में छपी है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अली माफ कर दो मुझे, यानी हम लोग तो सिर्फ बैठकर खाना खा रहे थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी अली? और वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे भी बहुत हैरत हो रही है। अच्छा, वाकई ऐसा है? मैं जब सुबह उठा तो मुझे पता चला मेरी बीवी रात को उसके साथ खाना खा रही थी और मुझे नहीं मालूम। सारी रात मैंने तुम्हारा इंतजार किया, तुम कहाँ थी मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं कितनी कॉल्स की मैंने लेकिन एक भी जवाब नहीं दिया। तुमने एक दफा भी नहीं मुझे बताया कि उस लड़की के साथ खाना खा रही हो, और पता कैसे चला मुझे, अखबार में देख के। लेकिन अली मैंने तुम्हें सब कुछ बताना था, मैं तो बस वेट कर रही थी कि उनके साथ डील हो जाए हमारी, फिर अलीना की तबीयत खराब हो गई और उसके बाद वो बोट वाला मामला, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे तुम्हें बताने का वक्त ही नहीं मिल सका, मुझे इन सब की तवक्को नहीं थी। इधर देखो ना मेरी तरफ, पहले ही इस बोट वाले मामले से मैं बहुत परेशान हूँ। कल रात के वाकये के बाद मैं खुद भी सोच रही थी कि तुम क्या सोच रहे होगे। तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है, मुझे मोहतात रहना चाहिए था अली, लेकिन मैं। नूर, तुम मोहतात नहीं रह सकती हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम गिर चुकी हो खाई में। तुम्हें यह भी नहीं पता चलेगा कि तुम किस दुनिया में दाखिल हो चुकी हो, तुम्हारी जिद की वजह से हम दोनों किस तहज पर पहुंच गए तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अब नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम चलो अब मेरे साथ, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करोगी, तुम अब कोई काम नहीं करोगी। नूर, अली क्या कह रहे हो तुम? ये तुम उसकी मॉडल बिल्कुल भी नहीं बनोगी। क्या मतलब है इस बात का, मैं उस आदमी के ब्रांड का फेस हूं। तुम कोई काम नहीं करोगी, जो कहना था कह दिया। अली मैं अपनी गलती जानती हूँ, तुम्हें जब भी गुस्सा आता है तो मेरे काम पर उंगली उठाने लगते हो। मेरे काम की इसमें कोई गलती नहीं है, कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तुम काम छोड़ने का कह नहीं सकते। तुम्हें छोड़ना होगा। नहीं अली, मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, हमारी डील। ऐसा क्या है तुम्हारे पास जो एतमाद किया जाए, ये आंखें और ये चेहरा, इसके अलावा है ही क्या? अली मैं अपनी, मैंने जो कहना था कह दिया। ओह, तुम्हारे सारे जुमले याद हो चुके हैं मुझे। अली कहाँ जा रहे हो? और मैं? तुम घर जाओ नूर, बल्कि एक काम करो एजेंसी चली जाओ, पैदल पैदल कदमों पर चलकर अपने। चला क्या? चला क्या? पागल, सड़क के बीच पर छोड़ के चला गया मुझे। मेरी बीवी को ब्रांड फेस बनाएगा, ये तुम्हें कभी भी नहीं होने दूंगा, बस बहुत हो गया जो होना था, हरगिज नहीं। सबर अली, सबर सबर।
बताओ जरा इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कहा भी कि ठीक है तुम सही हो, मैंने सॉरी भी किया उससे, हर चीज में मेरी ही गलती निकल आती है। हाँ, पहले मुझसे लड़ते हो, उसके बाद तुम्हारी कॉल्स आने लगती हैं। ओ नहीं, तुम अपनी गलती कहाँ मानोगे, कॉल क्यों करोगे तुम मुझे? जी कहें। हेलो नूर, क्या तुम फ्री हो? माफ करें, पहचाना नहीं मैंने। करीम बात कर रहा हूँ, करीम सिंह चक्तार। आज की खबर से तुम परेशान हो गई होगी तो मैंने सोचा कि तुम्हारी खैरियत मालूम कर लो। बहुत बुरा हुआ करीम साहब। यानी हम लोग वहाँ थे, उन फोटोग्राफर्स को कैसे नहीं देखा? और ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो आपको ठीक तरह जानती भी नहीं और फिर ये तस्वीरें। देखो नूर, हमने लॉन्चिंग की तैयारियों को तेज कर दिया है, हम उसके साथ एक मीडिया के लिए प्रेस रिलीज भी तैयार कर रहे हैं, उसके बाद हर कोई इस खबर को भूल जाएगा। लेकिन अगर इसकी वजह से तुम्हें अपने खानदान में कोई मुश्किल हो रही है तो मैं जो कुछ कर सकता हूँ करने के लिए तैयार हूँ। फिलहाल तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं करीम साहब, जैसे कि आपने कहा, ये झूठी खबरें सिर्फ लोगों का वक्त जाया कर सकती हैं और कुछ नहीं। ये सब तो मैं मेरे बैकग्राउंड की वजह से देखना पड़ रहा है। हम दोनों की रेपुटेशन पर असर हुआ है करीम साहब, अब मैं फराज साहब के साथ हूँ, मैं इनसे इस बारे में बात करूंगी। और वैसे भी एजेंसी के मालिक हैं ये। मालिक के तौर पर इस मसले को जरूर देखेंगे। दोबारा आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतना सोचा। तुम्हारा ही बहुत शुक्रिया नूर। See you later. हम दोनों आज सुबह अखबारों में हेडलाइन की जीनत बनने वाले थे। हाँ, वैसे बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? सुबह से पुलिस स्टेशन में था मैं, घंटों से इसी बारे में बात कर रहा हूँ, अब रात के वाकये के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहना चाहता। I'm so sorry. करीम साहब को समझ आ गया है कि वो मैगजीन के खिलाफ ज्यादा पुरजोश नहीं है, दरअसल मुझे ये डर ज्यादा है कि ये खबर हमारी एजेंसी के साथ जुड़ी है। अभी जब मैंने उनसे बात की तो ऐसा तो कुछ भी नहीं लगा, यानी हम इस बारे में कुछ ना सोचें। अगर तुम्हें और मुझे साथ रखा जाए तो इश्तिहार की जरूरत तुम्हें है। बहुत बुरा हुआ। ये शोबिस की दुनिया है नूर। अली ने भी मुझसे यही कहा था। अली ने देखा क्या? तो आपको क्या लगता है फराज साहब कि सुबह सवेरे सड़क के बीच में अकेले चलने का शौक है मुझे? बहुत शुक्रिया बिलाल, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अलीना अब आराम कर रही है, लेकिन मैं तुम्हारा पैगाम उसे पहुंचा दूंगी। शुक्रिया मेरी जान, फिर मुलाकात होगी। आज का दिन तो बस फोन कॉल्स का दिन है। अम्मी, अभी अली कहाँ चला गया? कहीं वो दोनों नई बोट में तो नहीं चले गए ना? अब तुम फजूल बातें मत करो अलीना, अली ने चाबी तक नहीं ली अभी तक। अरे हाँ, उसने मेरे तोहफे की परवाह भी नहीं की अम्मी। अलीना, हाय फरहाद आ गया, शुक्र है। अलीना, मुझे पता है तुम फरहाद की शुक्रगुजार हो, लेकिन उसे थोड़ा लिमिटेड रखो, ठीक है? उसे तो देखे जरा, इसकी हरकतें देखें। सुबह अली के साथ गई थी और वापस फरहाद के साथ आ रही। पहले तुम उसका मुंह तो देखो, कैसे लटका हुआ है बेवकूफ। अल्लाह करे इसके साथ बुरा हुआ हो। फरहाद साहब, आपने मुझे ये नहीं बताया कि अली का करीम साहब के साथ क्या मसला है। I'm sorry, नूर, मेरे पास अली के सलाम देने वाले कारोबारी लोगों की फहरिस्त नहीं है। लेकिन आपको मुझे बताना चाहिए था कि अली उन्हें जानता है। तुम क्या करती नूर, क्या तुम अपने शौहर के खौफ से काम कबूल नहीं करती? ऐसा नहीं फराज साहब, लेकिन कम अज कम मैं थोड़ा मोहतात रहती। ये बिजनेस है, खुफिया शादी तुम्हारी जाती जिंदगी है, अगर तुम दोनों को एक दूसरे से मिला दोगी तो तुम्हें एक का इंतखाब करना होगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है, फ्रेश होने जा रही हूँ मैं। तुम्हारी ताकत देखेंगे नूर, देखेंगे। एक कहता है कि काम छोड़ दो और दूसरा मुझसे कहता है कि अपने शौहर को छोड़ दो। तौबा, किसके लिए ये बातें कर रही हो? आंटी, मैं फराज साहब की जबान तो बंद नहीं करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि अली की जबान कैसे बंद करवाऊं। क्या बात है, तुम्हारे शौहर ने भी पढ़ा है ना? आह बेटी, तुम अपने शौहर से कैसे बेखबर रह सकती हो? आंटी, अगर आप मुझे अली की जबान बंद करवाने का मशवरा नहीं दे सकती तो फिर कोई और मशवरा भी ना दे। हाँ, तुम तो अपनी जबान से उस आदमी का काम तमाम कर चुकी हो, फिर तुम्हें किस चीज की टेंशन है? क्या हुआ, अब उसने क्या किया? क्या किया होगा, सड़क के बीच में छोड़कर चला गया। अरे नहीं,
कहाँ गया? पता नहीं, बस चला गया। मामला खत्म हो गया लीना, तुमने खुद को बचाया। बस यही सोचो, धमाके के केस को भी इसी फाइल में शामिल कर लिया गया है, अब हम आराम से सांस ले सकते हैं। सब खत्म, सब तुमने किया, सब कुछ तुमने खत्म किया। मेरी तमाम हरकतों पर तुमने पर्दा डाला है, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे यकीन है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे फरहत, वरना आज पता नहीं मेरा क्या होता। अलीना, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मुझे इस तरह ही देखो। फरहत, तुमने मुझे इस मुश्किल से तो निकाल दिया है, अब नूर से भी बचा लो। प्लीज मुझे उस औरत के अजाब से बचा लो, बस ये काम कर दो। माफ करना बेटी, मगर मैं तुमसे साफ साफ बात करूंगी, क्योंकि अलमास इस वक्त बाथरूम में है, तो तुम्हें परेशान करने वाला इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। तुम्हारा शौहर बिल्कुल हक पे है। जानती हो कि वो गलत है, लेकिन 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 कुछ नहीं। हाँ, मेरी बात सुनो, तुम एक जवान और खूबसूरत लड़की हो, अपनी इन फजूल ख्वाहिशात के लिए अपने शोहर को नाराज बिल्कुल मत करो। देखो, शोहर जैसा भी हो, वो ऐसी तस्वीरों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे ये करना होगा जैसे हर रोज मैं उसकी हरकतें बर्दाश्त करती हूँ। हर रोज वो अलीना के साथ होता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे सीने से लगाता है, मैं भी रोज बर्दाश्त करती हूँ, तो उसे भी करना होगा। मेरा काम और ये तस्वीरें अली को बर्दाश्त करना होंगी, उसकी वजह से कुछ नहीं छोड़ूंगी मैं। तुम कुछ भी कहो, तुम गलत हो बेटा, गुस्से से तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए तुमने इस काम को चुना है बेटी। अल्लाह तुम्हें अकल दे नूर, लेकिन कोशिश करो अपने शोहर को कभी भी नाराज मत करो। हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया यार। नहीं, मैं आज कंपनी नहीं आ सकूंगा, तो वो सारे पेपर्स तुम जाहिद को दे दो ना, वो देख लेगा मेरी जगह, और मीटिंग अगले हफ्ते शिफ्ट करो। हाँ बता दूंगा, रख रहा हूँ फोन अभी। करीम साहब, क्या मैं गलत देख रही हूँ? वो आदमी अली को जान है ना? अली कोजान? करीम संजकदार। वैसे कल की बहादुरी के बाद आपका नाम सुनहरे अल्फाज में लिखा जाएगा फरहाद से। उस पागल आदमी ने किस तरह गन लेकर हमारे घर में घुसने की कोशिश की, ये कोई मजाक की बात नहीं है। सिर्फ अलीना साहिबा नहीं, हम सबकी जान खतरे में थी, और उसके साथ नूर का काम भी तमाम कर दिया। मुंह क्यों बना रही हो? बताओ, झूठ बोल रही हूँ क्या मैं? हकीकत तो यह है कि अगर फरहाद सर तुम्हारे साथ उस डिनर पर होते तो ऐसी तस्वीरें ना आती, और अली साहब को भी इतना गुस्सा नहीं आता। सच्ची बात है यानी। अलमास, चुप नहीं रह सकती हो क्या तुम? तुम पर अफसोस आता है? फरहाद सर आज हमारी स्टार थोड़ी अफसरदा है, अपने शोहर से डर लग रहा है इसको। सब कुछ तुमने खत्म किया, मेरी तमाम हरकतों पर तुमने पर्दा डाला है, तुमने मुझे बचा लिया। मुझे यकीन है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे फरहत, वरना आज पता नहीं मेरा क्या होता। तुमने मुझे इस मुश्किल से तो निकाल दिया है, अब नूर से भी बचा लो। प्लीज मुझे उस औरत के अजाब से बचा लो, बस ये काम कर दो। नूर, क्या अली आज प्रेस बुलेटिन के लिए शूट के बारे में जानता है? नहीं, क्या उसका जानना जरूरी है? मालूम नहीं, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। अगर तुम अपने शोहर से इजाजत ले लेती तो बेहतर होता। तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखा करो मेरी प्यारी जान। मैं संजीदा हूँ नूर, मैं कोई मसला नहीं चाहता। मेरा मतलब ये है कि मैं अली की वजह से करीम संजकदार जैसे आदमी से कोई भी मसला नहीं चाहता। कोई भी मसला नहीं होगा फरहाद साहब, मैं जो काम करूंगी मेरा शोहर उसका एहतराम करेगा। तुम तो हाँ करी हो, लेकिन अली साहब का भरोसा नहीं है, यानी वो क्या करेंगे क्या पता।
कहीं करीम सिंह जगतार की हड्डियां ना तोड़ दे। नारजी, नारजी, वैसे भी इन चीजों के ऐसे ही नाम होते हैं ना। रंगों को ऐसे नाम देने से खवातीन खुद को खास महसूस करती हैं। हम तो बस उन्हें ये मौका फराहम करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मगर मेरे यहाँ आने का मकसद तुम्हारे इन फजूल से सुर्खी बॉर्डर के बारे में बात करना नहीं है, तो इसीलिए वक्त जाया किए बगैर मैं यहाँ तुमसे सिर्फ टॉपिक पर बात करूंगा। आप जैसे म्यूचुअल इंटरेस्ट रखने वाले शख्स के साथ वक्त गुजारना मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। क्या मतलब है इसका? क्लासिक गाड़ियां और क्या? बिल्कुल सही फरमाया, गाड़ियां। क्या बात है, ये बेकार सी खबर है, यकीन तुमको परेशान करेगी। तुम क्या करने का सोच रहे हो? जो जरूरी था मैंने किया। टैक्सिप? जरूरत नहीं पड़ी। जब हमारा कारोबारी ताल्लुक जाहिर होगा खुद ब खुद खबर का टैक्सिप हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, कारोबारी ताल्लुक। नूर पहले आपके पास काम कर रहे थे। जी हाँ। नूर साहब एक साबिका मुलाजमा, लेकिन हैसियत उससे भी कहीं ज्यादा। दरअसल वो लड़की मेरी जमीन पर रहती है। आपकी जमीन? तो आप अपने फार्म की बात कर रहे हैं शायद? जी हाँ, फार्म हाउस की बात कर रहा हूँ। आपका फार्म हाउस बहुत खूबसूरत है, हालांकि मैं बहुत ज्यादा नहीं देख सका, शाम थी, अंधेरा था। माजरा चाहता हूँ इस बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता कि तुम वहाँ कब आए। कल रात को ही मैंने नूर को ड्रॉप किया, यानी आपके फार्म हाउस पर। खाने से पहले अगर वहाँ से हम उठ जाते तो हम वक्त पर पहुँच सकते थे। लेकिन बहरहाल आपकी और आपकी वाइफ के लिए बहुत सारी दुआएं। हाँ, लेकिन वैसे मैं एक और फूल का वेट कर रहा हूँ बेसब्री से। देखो करीम, मेरी सोच पुराने आदमियों वाली है, और सीधी बात करता हूँ। नूर साहिबा, उसकी एक साबिक मुलाजमा से कई ज्यादा अहमियत है, और वो मेरी फैमिली की तरह है। बिल्कुल, यानी आप उसके एक तरह के सरपरस्त हैं। जी हाँ, ऐसा ही है, बिल्कुल सही समझे तुम। इंटरेस्टिंग। अब एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ मैं करीम, अब अगर आइंदा ऐसी कोई भी खबर दिखी ना तो बहुत से मसले खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे काम करने पर कोई एतराज नहीं मुझे, और जो मेरा कजन है वो भी साथ ही है तुम्हारे। बस एक बात का ख्याल रखना कि तुम्हारे इस बेवकूफ काम की वजह से किसी भी शख्स की जान इन बकवास खबरों की वजह से जा भी सकती है। बस मैं यही बताने आया था। आपकी गाड़ी बाहर वेट कर रही है। अली कोजान, बहुत कुछ सुना है उसके बारे में, जैसे कि उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता है। यहां से जाते हुए सीटियां बजा रहा था, शायद वो अपने गुस्से को ऐसे ही छुपाता होगा। मेरा दिल कहता है कि अली कोजान को हमें थोड़ा और करीब से जानना चाहिए। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।